मेरे नहीं है, सबके नहीं है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते? विश्व शांति दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिस तरह से योम पैदाइश थे और ये जो उनका पैदाइश मनाई जा रही है उसी को लेकर आज ये शान एक पीस वॉक यहाँ निकाला जा रहा है वर्क की जानिब से, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज की जो एक संस्था है उसकी ओर से ये वर्क का ये एक पीस वॉक निकाला जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को पीस का संदेश देना, जो संदेश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया और उसकी आज हमारे देश को ज़रूरत है। यहाँ इस देश में भी उस संदेश की ज़रूरत है, वही संदेश आज यहाँ ये वर्क के जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं ये लेकर निकले हैं और ये दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से विश्व में शांति आ सकती है और किस तरह से हम लोग जुड़कर एक विश्व को फिर से शांति प्रिय विश्व बना सकते हैं और हमारे देश शांति प्रिय देश किस तरह से बन सकता है। एक्चुअली हमारी संस्था का नाम वर्क वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज है। वर्क फॉर कंपैशन, आवर टैगलाइन इज वर्क फॉर कंपैशन एंड वी आर वर्किंग फॉर सतयुग इन भारत। एंड फॉर दैट वी आर वर्किंग फॉर सतयुग। फॉर दैट वी आर एवरी डे ईच एंड एवरी वर्कर, एवरी वॉलंटियर ऑफ वर्क इज नोन एज वर्कर। Every worker, each and every day, we are participating in compassion activities to change, to bring a change, to bring Satyug in this country. हमारे साथ ये यहाँ के MLA हैं, सदर बाजार के MLA सोमदत्त जी, आइए उनसे बात करते हैं, वो भी इस यहाँ पीस वॉक में शामिल है। क्या कहेंगे सर आप, किस तरह का ये? देखिए ये बहुत ही अच्छा आज पॉजिटिव मैसेज है पीस के लिए, हारमोनी के लिए, ब्रदरहुड को बढ़ावा देने के लिए, और इससे बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरी पब्लिक में। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मेरा ये मानना है ऐसी हमें लगातार शुरुआत करते रहना चाहिए ताकि देश में अमन प्रेम भाईचारा लगातार बढ़ता रहे। तो इस तरह से ये विश्व प्रसिद्ध जो शख्सियात होती हैं और ये जो हस्तियाँ हैं, इनके ये आदमी जो मनाया जाता है, इनका क्या किस तरह से और संदेश दिया जा सकता है? ये एक मैसेज होते हैं, बढ़िया मैसेज है ये अपने आप में भी। प्रॉफेट मोहम्मद साहब का बर्थडे भी अभी था, तो ये अपने आप में पूरी दुनिया को अमन शांति भाईचारे का पैगाम देने के लिए सबसे अच्छा समय है और इसीलिए आज ये मार्च भी निकाला जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और लगातार ऐसे आयोजनों की ज़रूरत है। आप ये विधानसभा के ही MLA भी हैं और जिस तरह से देश का माहौल इस वक्त है, आप किस तरह से देखते हैं पार्लियामेंट से लेकर और विधानसभाओं तक? मेरा मानना है ऐसी पॉजिटिव मैसेज जाने चाहिए जनता की तरफ से ताकि जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको ये लगे कि जनता आपस में एकजुट होकर रहना चाहती है और किसी के भी गलत मंसूबों को जनता कामयाब नहीं होने देगी। अच्छा, ये विभिन्न धर्मों के यहाँ लोग भी मौजूद हैं साथ में, आपस में धर्मों को किस तरह से जोड़ा जा सकता है? देखिए सभी जाति सभी धर्मों को मिला के ही भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। यही मैसेज है, यही पैगाम है, हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब इकट्ठे हैं और किसी की भी उन ताकतों को मजबूत नहीं होने देंगे जो इस देश को बांटना चाहती है जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सोमदत्त जी शर्मा जी, जो के बता रहे थे कि ये जो पीस वॉक है ख़ास तौर पर इसी के लिए किया जा रहा है, इसके तमाम कि लोग आपस में जुड़े हैं, मिले हैं, एक साथ बैठे हैं और आपस में भाईचारा बढ़े, इस भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ ये पीस वॉक का एहतमाम किया जा रहा है जिसको करुणा दिवस भी कहा जाता है और कंपेशन डे के तौर पर भी ये वर्क की जानिब से मनाया जाता है, जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानिब से आज ये दिल्ली के इस यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में इसका एहतमाम यहाँ किया जा रहा है। NGTV की नई दिल्ली से अब्दुल कलाम।
NGTV, द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल।